नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभ से शुरू करें जो शंकराचार्य के लिखा दो दो मंगलाचरण है उसको भी करते हैं हम लोग, और अंतिम में जो उनका प्रणाम मंत्र भी करते हैं। अब पहले प्रज्ञानं सुप्रदानै श्रीचरणिकर व्याप्तलोकान् भोक्ता भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि सर्वान् विशेषान् श्रवति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अलग शांति प्रकरण। हेलो ओ मैं थोड़ा पीछे बोल रहा हूँ, ओ ये वाला काम नहीं कर रहा क्या, तो नहीं बंद हो गया। ओम हल्का आवाज है, ओम 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 यस ओम 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 यही वाला आवाज है, कोई बात नहीं एक ही से काम आ जाएगा। इसमें है कुल 12 मंत्र है और इसी को मेरे गौरवाचार्य परम्परागत संप्रदायिक आचार्य है, इसी मंत्रों के आधार पर विचार करके देखा कि सूफी क्या कहना चाहती है, तो उसको गहरे से चिंतन करने के बाद उन्हें 4 प्रकरण, एक हो गया पहले आगम प्रकरण। इस आगम प्रकरण में सूफी वाक्य के आधार पर जगत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है ऐसा निरूपण करके दिखाया गया है सूफी वाक्य के आधार। उसके बाद जो है कि युक्ति के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है, इसको वैतत्व प्रकरण में प्रतिपादन करके दिखाया। जैसे स्वप्निक वस्तु हम देखते हैं उसको आज यहाँ पे विचार आएगा इसलिए मैं उधर नहीं जाऊँगा, उसके कुछ के कुछ श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया है। तो जैसे स्वप्निक वस्तु हम मिथ्या समझते हैं और हम मान्यता भी है, इसलिए स्वप्निक वस्तु संबंधित कोई भी चिंता स्वप्न से जगने के बाद हमें नहीं होती। इसी प्रकार से युक्तिपूर्वक दिखाया जागतिक वस्तु में भी ऐसा ही बैठा हुआ है जो धर्म स्वाप्निक वस्तु में बैठा हुआ है, इसीलिए जागृत वस्तु मिथ्या युक्तिपूर्वक हमारे समझाया है। आपने तो बस सारा वस्तु संसार में मिथ्या कह दिया तो अद्वैत रूप अधिष्ठान भी मिथ्या होगा, तो बोलते नहीं अधिष्ठान मिथ्या नहीं, अधिष्ठान के ऊपर कल्पित वस्तु मिथ्या होते हैं, यह हमारी अनुभव है। और शास्त्र ने यह भी दिखाया कि जो वस्तु ज्ञान के द्वारा मिट जाते हैं उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या की परिभाषा को कहते हुए ये कहा गया है कि ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व, जो वस्तु ज्ञान के द्वारा मिट जाते हैं उसको तो उसको जो मिथ्या बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप के ज्ञान से जागृति वस्तु संबंधी जो सत्य की प्रकृति होती है वो मिट जाती है, इसीलिए ही जगत को मिथ्या कहा जाता है। और बाद में जो है पारमार्थिक सत्य रूप में अद्वैतिक सत्य है, इसको अद्वैत प्रकरण में दिखाया गया है। यहाँ पर आपने सिद्ध करके दिखाया कि अद्वैत मतलब अधिष्ठान रूपी जो निर्विशेष व्यापक तत्व है वो सत्य है, और जो भी कुछ नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है वो पारमार्थिक।
देख सकते हो, नहीं है। जब आपने कोई प्रतिज्ञा की, आपको प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको हेतु और दृष्टांत देना पड़ता है, हेतु और दृष्टांत देना पड़ता है। तब यहाँ पे ग्रंथकार हमारा गौड़पादाचार्य ये कह रहे हैं कि देखो हेतु क्या है। जिन वादियों ने सृष्टि को माना और सत्य भी माना, जिन वादियों ने सृष्टि को माना सत्य भी माना, उन वादियों के आपस की विवाद है। यहाँ से हमारा अलग प्रकरण, अलग शांति प्रकरण शुरू होती है। क्या कि जो वादियों ने सृष्टि को सत्य माना, उन वादियों में आपस में विवाद है। सत्य वस्तु को लेकर के कभी भी विवाद नहीं हो सकता। तो दिखाया कि सांख्यवादियों ने जगत को सत्य मानते हैं, परंतु सत्कार्यवादी है, विद्यमान का कार्य अपने कारण में कार्य रूप में विद्यमान रहता है। तो उसको न्याय वैशेषिक वाला मतलब सांख और योग के साथ न्याय और वैशेषिक अलग शास्त्रार्थ होता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, बोले तुम्हारे शास्त्रार्थ से हम ये निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि जगत यदि पारमार्थिक सत्य होती तो तुम लोग इस प्रकार से विवाद नहीं करते। इसी से हम निर्णय करते हैं कि तुम्हारे विवाद से कि जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है। और उधर विज्ञानवादी बोध है और श्रोत्रांतिक वैभाषिक बोध है। श्रोत्रांतिक वैभाषिक जगत को एकवादी ने जगत को प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ता है ऐसा कहते हैं, और एकवादी कहते हैं अनुमान प्रमाण से जगत को जाना जाता है। और विज्ञानवादी बोध बोलते हैं नहीं नहीं बाहरी वस्तु है ही नहीं, वो तो केवल बुद्धि में बैठी हुई। इस प्रकार से विज्ञानवादी बोधों के साथ श्रोत्रांतिक वैभाषिक को लड़ाई को बीच में ला कर उनके शब्द को प्रयोग करके कहते तुम लोग फिर है जगत को लेकर के जो विवाद करते हो ये सिद्ध सिद्ध होता है कि जगत पारमार्थिक नहीं है। और शून्यवाद को तो कह नहीं कह तो शून्य से कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अब बच गया कौन, पूर्व मीमांसा दर्शन। आस्तिक दर्शनों में सांख और योग सृष्टि के विषय में एक ही पक्ष को लेकर के चलते हैं, प्रकृति से उत्पत्ति होता है पारमार्थिक सत्य है, उनका प्रकृति एक है पुरुष अनेक है। और वेदांत ठीक इसका उल्टा, पुरुष एक है प्रकृति अनेक है। अच्छा अब फिर जो है योग दर्शन में भी ऐसा है। और न्याय वैशेषिक दर्शन क्या करते हो, असत कार्यवादी है, वो कहते हैं कार्य अपने पूर्व उत्पत्ति से पूर्व में कारण में विद्यमान रहता ही नहीं, एक नया वस्तु उत्पन्न होता है और वो अपने उपादान करने से समवाय संबंध से बन जाता है जो पहले नहीं था, ऐसा समवाय संबंध को नित्य मानता है और इधर वो वस्तु पहले नहीं था ऐसा कहता है। ये अद्भुत उनका सिद्धांत है। तो वेदांत कहते हैं इसी के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि जो है जगत की सृष्टि होना संभव नहीं है। अब बच गए हमारे पूर्व मीमांसा दर्शन। अरे भाई ये लोग लड़ते रहते हैं, इसको लड़ने दो, हम तो सृष्टि को नित्य ही मानते हैं क्योंकि वेद अपौरुषेय है। अब यदि सृष्टि होने लग जाए नया तो हर बार नया नया वेद आएगा, पौरुषेय हो जाएगा। इस डर के मारे वेद मतलब शब्द राशि भी मानते हैं, वेद मतलब ज्ञान है ये उनकी बुद्धि में नहीं, क्योंकि ज्ञान को मानते नहीं है वो। परंतु क्या है वो कहते हैं नहीं नहीं इनकी सिद्धांत तो ठीक नहीं है कि क्या होता है कि धर्माधर्म और उससे शरीर और शरीर से धर्माधर्म इस प्रकार से जो है सृष्टि चक्र चलता रहता है। वेदांत उनसे सामान्य उससे पूछने में कोई बात नहीं, इसको भी मान लेंगे, मतलब कौन पहले है ये बताओ, धर्माधर्म पहले है अथवा सृष्टि मतलब शरीर पहले है, नहीं बता पाता। तो ये जो अपरिज्ञान है मतलब क्रम की अपरिज्ञान, यही तुम्हारी जो है तुम्हारे सिद्धांत को पुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए तुम्हारे सिद्धांत भी सही नहीं है। मतलब पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो श्रुति ने इसको अपनाया कि इसलिए अपनाया क्योंकि अध्यारो अपवादाभ्यम निष्प्रपंच प्रपंच थे, अध्यारो प्रक्रिया के माध्यम से इसको दिखा करके जो निर्विशेष तत्व है उस निर्विशेष तत्व को समझाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया। और ज्ञान होने के बाद अपने आप ही व्यक्ति निर्णय करते हैं, जिस समय भ्रांति से कोई वस्तु हमारे आँख के सामने प्रतीति होती है हमें उस समय भ्रांत वस्तु बिल्कुल सत्य लगता है, परंतु जब नजदीक जाके हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है, वस्तु क्या है सच्चा दिखाई पड़ता है। तब हम क्या निर्णय करते हैं कि जिस समय वो वस्तु मुझे दिखाई दे रहा था उस समय भी वो वस्तु वहाँ पर पारमार्थिक नहीं है। अच्छी बात है। अब जो है अलग शांति प्रकरण में हम लोग यहाँ तक पढ़ के आए थे, जगत मिथ्यात्व तो निश्चय करने के लिए कई जो है हमारे पास लॉजिक आते हैं। लॉजिक आते हैं आप बोलते हो स्वाप्निक वस्तु और जगत एक ही है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पहले बोल करके इस डेफिनेशन को नहीं भूलना है कि निद्रा और स्वप्न की परिभाषा मांडू को कार्यकार ने बहुत सुंदर किया, अन्यथा गृह्णते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत,
विपर्यशे तयोच्छीने तुरीयम बलमस्मते। मतलब अधिष्ठान तत्व के अज्ञान को ही हम निद्रा कहते हैं, और अधिष्ठान तत्व की अज्ञान के कारण जो उस अधिष्ठान को हम अंदर रूप से ग्रहण करते हैं उसको हम स्वप्न कहते हैं, है ना। निद्रा तत्व अजानत, अज्ञान को निद्रा कहा, और अन्यथा गृहते स्वप्न, उसको स्वप्न कहते हैं। तो ये माया निद्रा में सोकर के हमको जगत की अन्यथा ग्रहण हो रहा है। तो वहाँ पे जो जो ये जगत स्वप्न जैसा है, ये अब जो है विज्ञानवादी बहुत थोड़ा सा ये दोनों जो है मुक्ति उत्पत्तिशील मानते हैं। एक बहुत बड़ा सुंदर कार्य के यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 30, अनादि अंतवत्तम च संसार समसक्षति। यदि संसार को मानोगे और अनादि मानोगे तो अनादि वस्तु अंतवान हो कभी हो नहीं सकता, अनादि वस्तु अनंत होते हैं, तो तुम्हारा संसार की नाश कभी नहीं होगा। और दूसरा अनंतता च आदिमत मोक्ष न भविष्यति। और यदि मुक्ति को तुम उत्पत्ति वाला मानते हो तब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनंत नहीं हो पाएगा। संसार को अनादि मानते हो तो उसका नाश कभी नहीं होगा, और मुक्ति को उत्पत्तिशील मानते हो अनंत कभी नहीं हो पाएगा। अभी बिल्कुल सामान्य सिद्धांत से इस निश्चित को कथन करने के बाद, इसलिए यही हमारी पारमार्थिक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, आगावंते चजन नास्ति वर्तमाने पितत तथा वितथ ही सदृशा संत और वितथा इव लक्षिता। जो पहले भी नहीं था, ये हमारा क्वांटम थ्योरी बिल्कुल इसी का आधार पर है। जब आप देखते हैं तब आपको वस्तु की प्रतीति होती है, व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वर। तो यही भी जो आप क्या हुआ आधा बनते चल, जब तक आपने उस सर्प से रश्मि की तरफ नहीं देखे थे तब तक भी वहाँ सर्प नहीं था, और जब रज्जु के ज्ञान हो जाएगा तब भी सर्प वहाँ पे नहीं रहेगा, है कि नहीं। परंतु क्या हो जाएगा, जिस समय हमको दिखाई दे रहा है उस समय भी वो वस्तु वहाँ पे नहीं है, एक प्रति मात्र है। आधा बनते आधो अंते चल नास्ति, जो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं है। संसार की हर वस्तु में ये लागू होता है, जो आज हमारे पास नहीं है और हम जानते हैं जो वो कल हमारे पास नहीं रहेगा। तो यदि कुछ देर के लिए हमारे पास आया हुआ है तो समझना कि उस समय भी नहीं है, उसके प्रति ममत्व तो नहीं करना चाहिए। इसी शब्द को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के निराशी निर्ममो भूत्वा, है यही हो गया सिद्धांत। शब्द में भिन्नता है, अभिप्राय यही है, छुपा हुआ अभिप्राय यही है निर्ममो भूत्वा। अभी इसी को इसी का व्याख्यान को लेकर के एक के बाद एक श्लोक दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसको हम पढ़ के आए थे, परंतु इसको हमको घटाना कैसे है, स्वप्नों में तो आसानी से घट जाता है, जागृत में कैसे घटाएंगे। 32 में बोल रहे हैं, सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् अत्यन्तवत्तेन मेत्तैव खलु स्मिता। 32, जागृत वस्तु की प्रयोजनीयता स्वप्न में सिद्ध नहीं होता, और स्वाप्निक वस्तु की प्रयोजनीयता जागृत में काम नहीं आता। ठीक है, अब हम माया नित्र में सोए हुए हैं, अब अपने में घटाइए। अब वो व्यक्ति अपने स्वरूप के प्रति जग गया, क्या हुआ, माया निद्रा से उठ गया, अभी सपने से उठ गया। जगने के फलस्वरूप क्या होगा, स्वप्न में जो वस्तु से आप काम कर रहे थे वो वस्तु आपके पास मिथ्या निश्चय, अब क्या हो गया, अपने स्वरूप के प्रति आप जग गए। तो स्वरूप के ऊपर कल्पित जो वस्तु को सत्य समझ कर हम व्यवहार कर रहे थे, ज्ञानी के लिए क्या होता है वो, उसका सारा प्रयोजन होते चला जाता है, क्योंकि उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया जिसके कारण से सृष्टि की थी। हाँ, वेद से लेकर के साधन से लेकर के ध्यान से लेकर के जो भी कुछ वस्तु है आपने साधन किया व्यवहार किया, जब वो उस स्थित से जग गया कोई प्रयोजन नहीं है। स्वप्निक वस्तु के साथ जागृत वस्तु की सादृश्यता को दिखाने के समझने के लिए दिस फर्स्ट पॉइंट, सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने प्रतिपद, इस प्रकार जागृत वस्तु की उपयोगिता स्वप्न में नहीं होता, स्वाप्निक वस्तु की उपयोगिता जागृत में नहीं, इसीलिए हम स्वप्नों को मिथ्या बोलते हैं। तो जागृत की वस्तु को हमें काम में नहीं आता, कब काम में नहीं आता, जब माया निद्रा से जग जाते, इसीलिए जो है जागृत वस्तु मिथ्या है। अब कहाँ तक मिथ्या है, जागृत वस्तु से आप किस कहाँ तक काम लिए थे, इस शरीर को साधन के रूप में मान करके मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। अब कहाँ तक मिथ्या हो जाएगा, इस साधन भी मिथ्या, जिस साधन से साधन कर रहे तो भी मिथ्या, यहाँ तक आपको लाना है विचार पूर्वक, यहाँ तक निश्चय करना है। साधन मिथ्या है, जब साधन ही नहीं है तो फल कहाँ से होगा, मुक्त तो तुम पहले से ही हो, आगे बोलने वाला है, मुक्त तो तुम पहले से हो, इसलिए उसका भी आवश्यकता नहीं है। सर्वे उसको नेक्स्ट क्या बोला, सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्य अंतर निदर्शना समृत्ते अस्मिन् प्रदेश वै भूतानां दर्शनं कुतः। स्वाप्निक पुस्तक मिथ्या क्यों बोलते हैं,
शरीर के अंदर जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वहाँ पे दिखाई देने के कारण उसको मिथ्या बोलते हैं, ठीक है ना। आप बताओ ये जागृत वस्तु तो विराट शरीर के शरीर में, विराट पुरुष के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, एक शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण, और दूसरी वस्तु जो वस्तु जहाँ पे होना संभव नहीं है उस देश तक नहीं पहुँचते हुए यदि वस्तु हम वहाँ पे दिखाई दे तो वस्तु सत्य नहीं हो सकता। वेरी केयरफुल, क्या बोला, जो वस्तु जहाँ पे है उस देश में हम नहीं पहुँचते हुए यदि वो वस्तु हमको कहीं पे दिखाई दे तब वो वस्तु मिथ्या सत्य होना संभव नहीं है। मतलब क्या हो गया, जो रज्जु से आगे पड़े हुए हैं हम रज्जु तक पहुँचे बिना ही हमको वहाँ पे सर को दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, सर को दिखाई देने के कारण वहाँ सत्यत्व बुद्धि भी हो रही है। तो जो वस्तु आपका है हम अभी तक हम स्वरूप तक पहुंच नहीं पाए, ध्यान देने से हम अपने स्वरूप तक पहुंच नहीं पाए, फलत क्या हो रहा है ये शरीर सत्य रूप में दिखाई दे रहा है और इसमें मैं बुद्धि करता हूँ। तो जब वहां तक पहुंच जाएंगे रज्जु के अधिष्ठान तक पहुंच जाएंगे तब क्या हो जाएगा, सर्प नहीं दिखाई देगा, सर्प मिथ्या निश्चय हो जाएगा। ठीक यहाँ पे जब आप अपने को मन को अंतर लेते हुए जिस समय आपका स्वरूप में मन लय हो जाएगा, मन जब वहाँ पर आत्मसत्य अनुबोध है ना संकल्प आते जाता है अमनस्पम सदा जाते ग्राह्य भाव तदक, मन जब निश्चय कर लेगा भारी वस्तु कोई प्रयोजनता नहीं है तब क्या हो जाएगा, मन भारी वस्तु संबंधी चिंता नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, अधिष्ठान में एक, अधिष्ठान में एक हो जाएगा। मतलब आपका कब होगा, जब आप उस रज्जु के तक पहुंच जाओगे, आप रज्जु तक नहीं पहुंचा मतलब स्वरूप तक नहीं पहुंचे इसलिए शरीर दिखाई दिया। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाना है क्योंकि इसी को वैतत्व प्रकरण में बोला, वहाँ पे हमने इतना गहराई से नहीं बोला, यहाँ पे आपको समझना है, वहाँ पे तो केवल स्वप्न मिथ्यात्व को समझ रहे थे, यहाँ पे यहाँ तक जाकर पूरा प्रपंच के मिथ्यात्व कैसे निश्चय करेंगे, ठीक है। इसे क्या स्थिति बोला, सर्वे धर्मा मिशा अपने काय संत निदर्शन, पहला हेतु क्या दिया, शरीर के अंदर दिखाई देने के कारण हम इसको मिथ्या बोलते हैं, विराट पुरुष के शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है इसलिए मिथ्या, फर्स्ट रीजनिंग। सेकेंड रीजनिंग क्या हो, समृद्ध अस्मिन प्रदेश हुए, जिस देश में जो वस्तु संक्षिप्त स्थान में संकुचित स्थान में मतलब जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वहाँ पे वो दिखाई जो वस्तु दिखाई देते हैं वो वस्तु मिथ्या होते हैं। जो अग्नि मतलब निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व है जहाँ पे कुछ भी बेकार होना संभव नहीं है वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, निर्विशेष पूर्ण सर्वम खलु इदम ब्रह्म आत्मा को इदम सर्वम पुरुष एव इदम विष्णु, यहाँ पे उसी तत्व को बार बार बोल रहे हैं, यह नाम रूप है नहीं पारमार्थिक, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाने के कारण क्या हो गया, हमें वो वस्तु वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जो वस्तु होना संभव नहीं है वहाँ पे यदि वो दिखाई दे वो वस्तु मिथ्या। प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम मिथ्यात्म, ये जो अद्वैत अद्वैत सिद्धि में मधुशब्द ये भी एक परिभाषा है, किसी भी एक अधिष्ठान में जो वस्तु दिखाई पड़ रहा है तीनों काल में यदि वो वस्तु का अस्तित्व निषिद्ध नहीं होता उसको मिथ्या परिभाषा दी जाती है। तो यह गेस सेकेंड, तो समृद्ध तस्मिन प्रदेश में भूतानाम दर्शनम को, जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये भूत और भौतिक वस्तु कहाँ दिखाई देगा। थर्ड, अब काल के नियम से हम क्या बोलते थे, आज उत्तरकाशी में और रात को सपना देख रहा है कि मैं तो बहामास पहुँच गया, अब वहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमको तो पता है कि कितना घंटा तक जो है कठिनाई से सफ़र करना पड़ता है, पर हम तो एक सेकंड में पहुंच गए, तो अनुपयुक्त तो काल के कारण भी स्वाप्निक वस्तु, अनुपयुक्त तो देश अनुपयुक्त तो काल, जितने समय में उस काल में एक जगह से हम दूसरे जगह में पहुंच सकते हैं उतना काल हमने स्वप्न में व्यतीत नहीं किया है कि नहीं, पर तो हमें पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा है इसीलिए भी स्वाप्निक वस्तु मिथ्या। आप यहाँ भी देखिए कि जितना काल में जिस काल में जो हम इसको सत्यत्व बोलते हैं यहाँ पे, तो जागृत में गमनागमन काल नहीं होता, अब जो ब्रह्म व्यापक है आप कब अब जगने के बाद हमें जाने के लिए जगह ही नहीं है, जाइए ना, गमनागमन यहाँ पे होना संभव नहीं है। उपाधि के साथ हम बोलते हैं जीव उपाधि के साथ मतलब अंतकरण उपाधि के साथ चेतन की गमनागमन की प्रतीति होती है, जिसपे किसी बोतल के अंदर पानी है और ऊपर का हिस्सा खाली है, बोतल के यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे हमें क्या प्रतीति होगी, आकाश भी यहाँ से उठ करके यहाँ पे आया, परंतु उस आकाश में आवागमन होना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार अंतकरण एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए जब जाते हैं तो आप क्या होता है उसके अंदर चेतन भी ऐसा जा रहा है जैसा प्रतीति हो रही है, परंतु चेतन तो पूर्ण व्यापक है, उसको जाने की जगह ही नहीं है, और इस ब्रह्म लोक तक जाने के लिए जो वस्तु व्यापक है वहाँ जाने के लिए काल की आवश्यकता नहीं होती, यहीं पर प्राप्त है, परंतु नहीं समझ मान के बोलते न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य अनियमात गतौ, क्योंकि दूर देश में जा करके आपको दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रह्म शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है कि जो व्यापक है, आप उसको नहीं समझने के कारण ब्रह्म लोग जाने का प्रयास करते हैं,
इसलिए भी इतने समझ आया। काल दृष्टि से क्या देखना है कि ब्रह्म व्यापक है, वो लोकांतर कालांतर जाने के लिए समय, किंतु जब ब्रह्म शब्द के व्युत्पत्तिगत अर्थ से पूर्ण व्यापक तत्व उसको प्राप्त करने के लिए काल की क्या आवश्यकता है, तो हम वृथाई काल की कल्पना कर देते हैं। इसीलिए न युक्तम दर्शनम कालस्य नियमत प्रतिबुद्धस्य वै सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते। जग जाने के बाद स्वप्न काल में जिस जिस वस्तु के साथ हम व्यवहार कर रहे थे है ना, उसको बस वहाँ पे नहीं मिलता। जागृत से अपने ज्ञान अवस्था में आते तब क्या हो जाएगा, जिस जिस वस्तु के साथ हम व्यवहार कर रहे थे माया निद्रा में सो करके है ना, उस वस्तु की कोई उपयोगिता उसको दिखती नहीं है, क्योंकि पहले लग रहा था हमारे लिए उपयोगी है, तो आप जो है उपयोगी नहीं है, कुछ नहीं उपयोगी है, प्रतिग्रह क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए वो वस्तु की और दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, मतलब चिंता उस वस्तु दिखने का अभिप्राय इतना होगा, उस वस्तु संबंधित चिंता जो मन को मुख्य रूप से आप देखिए आगे बोलेंगे। जैसे एक चीज सोचिए, हम बोलते हैं कि स्वप्न में जो वस्तु देखा था जागृत में उठ करके नहीं देखा, पर जागृत वस्तु हमको रोज रोज ही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा भारी शंका है। परंतु आप बताओ आपकी जागृत और मेरी जागृत दोनों एक प्रकार है कि नहीं है, जागृत वस्तु के साथ व्यवहार आपका और हमारा दोनों का एक ही प्रकार है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की मनोराज्य अलग अलग होता है। ईश्वर सृष्टि समस्या के कारण नहीं है, तृतीय दीप देखो, ईश्वर सृष्टि मनोराज आपका समस्या के कारण नहीं है, मन सृष्टि बंधन की हेतु होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग मन सृष्टि है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग मन सृष्टि है, इसीलिए वो जो आप बोलते हैं हम उठ करके तो वही वस्तु को देखते हैं, वो जो आप सोच रहे हो वही वस्तु को देखते हैं, वो तो है ही नहीं, क्योंकि उस वस्तु में तो कितना परिवर्तन होगा अलग बात है, और दूसरी बात क्या है कि आप अपनी मनोवृत्ति में कितना परिवर्तन है, देखो यानी कि प्रत्येक पे हम भी वही देख रहे हैं आप भी वही देख रहे हो, परंतु देखने की वस्तु एक होने पर भी हमारी मनोराज्य उसको अलग करके देखा, कहीं ना उसने कहाँ पर कैसे अलग लगा, किसी जगह पे हमने ये मेरा है ये छप्पर लगाया, ये मेरी पुस्तक है ऐसा बोलते हैं, आपने इसमें नहीं लगाया ठप्पा, पुस्तक एक ही है, परंतु हमने यहाँ पे ममत्व बुद्धि लगा दिया, आपने नहीं लगाया, आपकी सृष्टि अलग है, आपकी सृष्टि अलग है, इसलिए ये सूक्ष्म बूत हमारा नहीं आता, हम सोचते हैं कि जो वस्तु हम कल देखा था उसी से रोज व्यवहार कर रहे हैं, नहीं, आप सभी बोलते और वो भी हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, गंगा जी के प्रति सबके भाव एक ही थोड़ी है, इसी गंगा जी के प्रति अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग भाव है, इसी प्रकार से जागृत वस्तु में भी जैसे हम सत्य समझते हैं वो सत्य पारमार्थिक नहीं है, क्यों, क्योंकि जब कब, जब माया निद्र से जग जाएंगे, माया निद्र में रह करके समझ में आना मुश्किल, माया निद्र में रह करके समझ में आना मुश्किल है। नीचे कितने बार भी सभी व्यक्ति के ही प्रश्न होता है कि मन कैसे शांत हो, मन कैसे, मन शांत होगा कैसा, कैसे, क्योंकि जो अपारमार्थिक वस्तु को पारमार्थिक समझ लिया और उसको लेकर की व्यवहार करना चाहते हैं तो मन कहाँ से शांत होगा। और एक चीज़ तो आजकल तो बहुत ही बड़ा भयंकर समस्या है, इस चीज़ को तो भूल ही जाता है, आहार शुद्ध हो शब्द शुद्धि, जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, आहरण का आहरियत इति आहार, जब तक इस आहार के प्रति शुद्धता नहीं होगा तब तक क्या होगा, अंतकरण शांत होने वाला नहीं होगा, अंतकरण शांत होने वाला नहीं है, मतलब आप जो है ध्यान जब करेंगे परंतु उसका जो अंतिम स्थिति है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करेंगे। फंडामेंटल कंसेप्ट ये है, जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा आहरियत इति आहार, तब तक जब मन की प्रसन्नता नहीं होती। और दूसरी बात क्या है कि पुण्य सुख दुख विषयाना मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाना पुण्य पुनः सुख दुख विषयाना भावना तो चित्त प्रसादना, ये योग दर्शन के सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना कि जब तक इस चित्त की प्रसन्नता नहीं हो तब तक आप साधन नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को अच्छा देख करके तुरंत मन होता है अरे वो कितना अच्छा होता है, यदि उसको आप शुभ देखते हैं तुरंत उसके साथ मैत्री भावना करो, तो मेरे ही मित्र है, मेरे स्वरूप, और वो भगवान ने बहुत अच्छा दिया, उसने अच्छा काम किया, इस भावना तब मन शांत होगा। मैत्री करो ना, कोई दुख देख करके उसके प्रति करे ना हो, भगवान उसके दुख को दूर करो, ये स्वतस्फूर्त मनोवृत्ति में यदि ऐसा परिवर्तन होता है तब आपका चित्त प्रसन्न होगा। तो ये दोनों फंडामेंटल कंसेप्ट मन को समझना कि अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध, वो तो बात की ऊपर एक स्थित अदम है,
पहले फंडामेंटल स्थिति है उसको समझना है, पहला आहार को समझ में रखना है, आहार को जो है शुद्ध रखना है, दूसरी बात क्या है भावना को शुद्ध रखना है, ये दोनों होगा तो मन को शांत करने के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, अपने आप ही मन शांत हो जाएगा। ये एक लाइन यहाँ पे भी हमारा मान लो कलकाकार बोला, क्या बोला कि आत्मसत्य अनुबोधे न संकल्प अत्य, क्या जाना ईश्वर ही सत्य है, भगवान ही एकमात्र सत्य वस्तु है, और भारी जो भी कोई वस्तु दिखाई देगा उसमें कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये निश्चय होने पर जिस प्रकार सपनों से जगा हुआ व्यक्ति सापने वस्तु को लेकर के चिंतन है ग्राह्य भावे तद अग्रहण, ग्रहण करने जो कोई वस्तु हमारे लिए है ही नहीं, ग्रहण ग्राह्य मतलब ग्रहण करने जो कोई वस्तु, तब अग्रह मतलब उसका ग्रहण भी नहीं होता, तब क्या होता है अमनस्कम तद आ जाती, मतलब अमन हो जाता है। इतना सुंदर यहाँ पे समझे, यहाँ पे एक एक करके उसी को भाष्यकार यहाँ पे समझा रहे हैं, न युक्तम दर्शनम गत्ता कालस नियमागत, क्योंकि वहाँ पे जो है जो व्यापक तत्व है उसके जाने के लिए कोई काल की आवश्यकता नहीं है, पंथ हमने कल्पना करे प्रतिबुद्धश्च वही सर्वम तस्मिन देशे नाविद्यते, जगने के बाद वो जिस वस्तु को लेकर के स्वप्न में व्यवहार कर रहा था उन सभी वस्तु की उपयोगिता उनके लिए नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। आगे और बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अवस्था में यहाँ पे और मजेदार 35 से शुरू होगा ना आज का 36 से, ठीक है 35 पर ये समझना है बहुत, इस प्रकार अभी हम लोग यहाँ पे साधक रूप में हैं, है ना, तो ब्रह्मचारी लोग आपस में बैठ करके सोचता है कि अपने अंदर मुख शुद्ध आना चाहिए, और भगवान भास्कर ने बोला विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, और सत संपत्ति ये होगा और फिर साधन करूँगा, साधन करके मुक्त होगा, आपस में ब्रह्मचारी लोग मिल करके बैठ करके कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आप जब जग जाएंगे तब आपको क्या स्थिति होगी, जैसा स्वप्न में बैठ करके हम लोग चार व्यक्ति मिल करके बैठ के खूब दम मार रहे थे वहाँ पे क्या आनंद कर रहे थे, जगने के बाद अथवा प्लानिंग कर रहे थे हाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगी कर्म वो कर्म, जगने के बाद तो लगेगा कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार साधक अवस्था में जब हम विचार करते हैं कि हमें क्या चाहिए कि गुरु है ये शिष्य है अथवा हम आपस में ब्रह्मचारी है, हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये जितना भी हम मित्रादि सह सम्मंत्र संबुद्ध न प्रकट है, अपने मित्रों के साथ जो व्यवहार किया था जो बात वार्तालाप किए थे हमें ये करना वो करता है, जगने के बाद वो अपने आप निश्चय करते हैं अरे वो भी हमारा कल्पना ही था, वो भी अवधि का हमारा कल्पना ही था, मित्रादि सह सम्मंत्र संबुद्ध न प्रपद्य थे, सम्मत रूप से जग जाने के बाद वो अपने आप ही निश्चय करता है वो अज्ञान दशा में मैंने ऐसा सोचा था परंतु ये मैं नित्य मुक्त हूँ, इस प्रकार निश्चय नहीं कर पाने के कारण वो बंधन में से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा था, साधन ढूंढ रहा था, परंतु पहुँचने के बाद हम निश्चय करता रहे मैं पहुँचा हुआ स्थान में पहुँचने के लिए प्रयास ढूंढ कर रहा था, इसीलिए इतना साधन अपनाना पड़ा। देखिए गृहितम चापि यत किंचित प्रतिबुद्ध न पश्यति, जब आपने जो भी कुछ हमने वहाँ से आपसे ग्रहण किया था साधन के रूप में अपनाया था, जगने के बाद कर रही कहना साधन कर रहा कैसे हो रहा था, ये कैसे आपने मान लिया था, अद्भुत है ये, इस चीज़ को समझने से ये गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से, इसलिए जब हम आपको वहाँ पे ना ये जो अष्टावक्र गीता में जनक राजा को बोलते हैं त्यजैव ध्यानम सर्वत्र माँ किंचित जो ध्यान करने की प्रयास करते हो ये अच्छा बुरा ही मंदन में माँ किंचित धारण विधेय में कुछ भी धारण मत करो, आत्मा तो मुक्त है वशी तुम नित्य मुक्त हो, इसलिए ये जो तुम सोचते हो यही तुम्हारा बंधन है, इसलिए बोलता है किम विमिश्र करिष्यसि इसको विचार करके क्या करो, अष्टावक्र गीता में इसलिए बोलते हो तो मांडू को कालिका अष्टावक्र गीता अवधूत गीता इन तीनों को थोड़ा हायर लेवल में आकर के पढ़ना चाहिए शुरू में नहीं, परंतु वहाँ पे यदि आपका लक्ष्य निश्चय हो जाएगा तब मन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको धक्का लगाएगा, जब वो लक्ष्य निश्चय नहीं कर पाता है तब जा करके इधर उधर भटकता है, हमें इस लक्ष्य तक पहुँचना है जहाँ पे सारा साधन छूट जाएगा, हमने एक केवल यहाँ का नहीं है भगवान श्री कृष्ण यही शब्द ही कहते हैं, यही शब्द कहते हैं क्यों बोलेंगे जिसने धर्म संस्थापन करने के लिए आया हुआ था धर्म संस्थापनार्थामी संभवामी युगे युगे, वही व्यक्ति बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या अद्भुत विरोध दिखाई पड़ता है, क्या विरोध दिखाई पड़ते हैं वहाँ, परंतु विरोध नहीं है आत्मभाव में स्थित होने के लिए सारा चीज़ के ऊपर उठना पड़ता है, इसलिए बोलता है मित्रादि सह सम्मंत्र अपने मित्रों के साथ सहचर्य के साथ ब्रह्मचर्य के साथ आलाप आलोचना करके मैं साधन में लग जाता हूँ और ईश्वर के पास तत्व बोध भी होता है, परंतु संबुद्ध न प्रबोधते जब जग जाते हैं तब उसको न गुरु न युव शिष्य न बंधु न मित्र न गुरु न युव शिष्य शिवानंद
वही देखिए यहाँ पे पहुँचा मित्र न प्रवर्तन घृतम या पिचत किंचित, जो भी कुछ उसने अपना करके ग्रहण किया था प्रतिबुद्ध नमस्यति, जब जग जाता है अपने स्वरूप में तब वो नहीं देखता। अब देखिए जिस शरीर को मैं अपना मान करके इससे साधन कर रहा था, जगने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक भी ये अपना नहीं समझ में आएगा, इट विल बिकम ए थर्ड पर्सन टू ही। ये जिसको अपने फर्स्ट पर्सन दे करके मैं करके बोल रहे थे, ये आपके लिए थर्ड पर्सन 100% प्रतिबुद्ध न पश्यति, जगने के बाद वो आपने नहीं देखता उसको। तो 35 तक वहीं से शुरू करते हैं, देखो 35 वहीं से शुरू करते हैं उसको, पर देखिए अब मंत्रों को सब मिल करके एक्सेप्ट करते हैं 35 नंबर बहुत अच्छा है इसमें। तो मित्रादयसहसंमन्त्र सम्बुद्धौ न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्र आदियों के साथ सम्मंत्र मतलब सम्मुख से विचार करके जब हम जग जाते साधन करने के बाद, जब हम जग जाते हैं सम्बुद्ध प्रथम एक वचन एक वाक्य की करता है न प्रपद्यते, वो जो भी हमने ग्रहण किया था उसको प्राप्त नहीं करता। गृहतम चाप यत किंचित, जो भी कुछ वस्तु उसको साधन के रूप में अपनाया था प्रतिबुद्ध जग जाने के बाद, ऊपर बड़ा सम्बुद्ध या फिर प्रतिबुद्ध न पश्यति, उसको नहीं दिखाई देता। वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ता है, देखिए टिप्पणी का इसको समझा रहे हैं कि मित्रादेश हम साधक है, हमें दोस्त मित्र आदि को लेकर के भावना नहीं है, हम तो अपने ब्रह्मचारी गुरु शिष्य को लेकर के विचार करेंगे। तो बोलते हैं देखो स ब्रह्मचारी भीर मुमुक्षु भीर ब्रह्मवादी भीर बाह मित्रादि, तृतीय वो वचन है मित्रादियों के साथ, तो हमें मित्रादि में कौन होगा, सब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहने वाले जो अपने ब्रह्मचारी लोग है वो लोग सब ब्रह्मचारी भी, और वो लोग कैसे है मुमुक्षु भीर, सभी मुक्ति होने का इच्छा करते हैं, ये संसार बंधन है यहाँ से मुक्त होना ही है मुझे, विचार करते रहते हैं। और ब्रह्मवादी भीर वा ब्रह्म बारे में बोलने वाले गुरु को लेकर के बोलते हैं, ये गुरु है ये शिष्य सब ये सब जो है मित्रादि के साथ, इसके साथ जो भी हम विचार करते हैं सम्बुद्ध, ध्यान देना कहाँ कब बोल रहे हैं सम्बुद्ध, जब हम जग जाते हैं तब, जब तक निद्रा में है तब तक ये तो सब नहीं दिखेगा, सम्बुद्ध न प्रपद्यते उसको नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा एक नंबर टिप्पणी हो गया, अब जो है टीका में आ जाइए, देखिए किंच यथा स्वप्ने विषमवादात अप्रामाण्यम इष्टम तथा जागरिते अपि परम श्रेय अस्माभिः साधनीयम इति सह ब्रह्मवादी भी सह समालोच्य अविद्या निद्रातः प्रतिबुद्धौ नैव श्रेय साधनत्वम् आलोचितं प्रतिपद्यते। देखिए टीकाकार इसको उसको वाली पंक्ति को बोलते हैं और भी देख लो स्वप्न में इतना क्यों है, क्योंकि स्वप्न से जगने के बाद जिस वस्तु को लेकर के स्वप्न काल में हम व्यवहार कर रहे थे असत्य मान रहे थे, स्वप्न से जगने के बाद वहाँ तक मिथ्या हो जाता है, तो सामान्य बाहरी वस्तु तो मिथ्या हो गया, यहाँ तक जो मैंने साधन किया अच्छा ब्रह्मचर्य के साथ बात करके मुमुक्षु पाया गुरु के साथ बात को सुना ब्रह्म विचार किया, ये सब जो है आपके सामने उस समय जो है मिथ्या ही ऐसा है। इसलिए आप बोलते हैं किंच और भी देख लो जाता जैसे स्वप्ने स्वप्न काल में विषम बाधा, इस चीज को ध्यान रखना अच्छी तरह से, मिथ्या कहाँ पे होता है, जिस देश में जो वस्तु है कि मैंने शुरू किया था उस देश तक पहुंचे बिना यदि हमें वो वस्तु कहीं पे दिखाई देता है वो वस्तु मिथ्या है। इस प्रकार हटस्ट गजल मतलब दुकानदार के पास जो राज चांदी होते हैं वो दुकान तक पहुंचे बिना मुझे रास्ते में दिखाई दे रहा है, हम वहाँ तक पहुँचे तो वो चांदी मिथ्या हो, चांदी मिथ्या होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कि किंच यथा स्वप्ने विषमवादा अप्रामाण्यम इष्टम, जिस प्रकार स्वप्न में विषमवाद, देखिए तीन नंबर टिप्पणी में बोलते हैं विषमवादा जी स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम विषमवादा सुप्तौ इदम रजतम इति ज्ञानवत इति अनुमानमत्र विवक्षितम। स्वप्न ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, स्वप्न ज्ञानम ये पक्ष है ठीक है ना, फिर अप्रमात्मकम ये जो है आपका साध्य है, ये परमात्मक नहीं है, परमात्मक ज्ञान नहीं है कि विषमवादात विरुद्ध रूप में, विरुद्ध रूप में दिखाई देने के कारण, विरुद्ध रूप में दिखाई देने के कारण, जिस प्रकार सुक्तो इदम रजतम हमको दिखाई पड़ रहा था एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा, परंतु हमने क्या समझ लिया था वो चांदी है, ये विषमवाद है, मतलब जो पहले बुद्धि में बैठा हुआ था वो बुद्धि बदल जाता है, विरुद्ध संवाद हो जाता है।
इति अनुमान मत, इस प्रकार के अनुमान को यहाँ पे समझ लेना चाहिए, ठीक है। स्वप्न ज्ञानम, स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो वस्तु है अप्रमात्मकम, वो जो है प्रामाणिक नहीं है, ये पक्ष हो गया और ये साध्य हो गया। विसंवादा ये हेतु है ना, तो पक्ष साध्य हेतु। अब अनुमान को सही है कि नहीं है, दृष्टांत क्या, सुप्तो इदम रजतम इति ज्ञानवाद, ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत में आपका हेतु को बैठना चाहिए, ठीक है ना, दृष्टांत में और साध्य में हेतु को बैठना चाहिए, और जो है क्या हो जाएगा, दृष्टांत में आपका साध्य भी बैठना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, पक्ष में भी साध्य सिद्ध हो जाएगा। पक्ष में आपको क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमारा अनुमान में दृष्टांत है सुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानवत्, इसमें देखिए विषमवाद होता कि नहीं, और हेतु क्या है, विषमवाद हेतु भी बैठा हुआ है, और साध्य क्या है, अप्रमात्मक ये भी बैठा हुआ है। तो सुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानवादि, सुक्त सुक्ति में रजत ज्ञान जो होता है वो ज्ञान विरुद्ध हो जाता है, इसलिए वो परमात्मक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अप्रमात्मक, मतलब हेतु भी बैठा साध्य बैठा। और स्वप्न ज्ञानम, स्वप्न ज्ञान में भी विषमवाद हो जाता है, क्योंकि उठ के जाग करके वस्तु नहीं मिलता, परंतु भी क्या हो जाएगा, अप्रमात्मक, इसलिए स्वाप्निक वस्तु का जो ज्ञान, वस्तु की एक चीज बहुत सूक्ष्मता भी है यहाँ पे, जिस प्रकार से स्वाप्निक वस्तु मिथ्या है और स्वाप्निक वस्तु की जो ज्ञान है वो भी मिथ्या है, परंतु स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं, वो मिथ्या नहीं है। स्वाप्निक वस्तु, स्वाप्निक वस्तु के ज्ञान, जागतिक वस्तु, जागतिक वस्तु के ज्ञान, ये दोनों ही मिथ्या है। यहाँ तक जो है जागतिक, इसलिए हम कई बार बोलते हैं स्वत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, इससे भिन्न एक चीज स्फुरन होता है अंदर से, जिसको समझाया नहीं जा सकता, तो क्योंकि वो तो उत्पत्तिशील वस्तु है ही नहीं, ज्ञान वो नित्य विद्यमान वस्तु है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी ज्ञान इस समय हो रहा है, कि जिस प्रकार वस्तु मिथ्या है, मिथ्या वस्तु मिथ्या होने के कारण मिथ्या जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भी मिथ्या ही होगा, मिथ्या होगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न ज्ञानम अपरमात्मक है ना, वहाँ पे आया था हम बोलते थे अभाव रथादीना श्रूयते न्याय पूर्वक, वहाँ पे चकार को दिया ना, चकार रथ की भी अभाव है, चकार मतलब रथ ज्ञान की भी जो हुआ था उसका भी अभाव हो जाता है। अभाव रथादीना श्रूयते न्याय पूर्वक बनाया था वैतत्व प्रकरण, वहाँ पे अमर आनंद गिरी जी ने बताया चकार इज वेरी इंपॉर्टेंट है, अभाव रथादीना वैतत्व प्रकरण में आया, वो चकार मतलब क्या है, रथ आदि का जो वस्तु और रथ आदि का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी मिलता होता है, मिलता है नहीं वस्तु। जिस प्रकार रज्जु की जगह हमें सर्व ज्ञान हो गया, तो जिस प्रकार सर्व भी मिथ्या है, सर्व संबंधित ज्ञान भी मिथ्या है, इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए स्वप्न ज्ञानम, स्वप्न संबंधित जो ज्ञान है अप्रमात्मकम, यानी कि जागृत काल में जितना भी बुद्धि के साथ हम कोई वस्तु को समझे, तो कोई पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद वो ज्ञान अपने आप ही निश्चय करते हैं कि वह मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वप्न स्वप्न ज्ञानम, स्वप्न संबंधित जो ज्ञान है अप्रमात्मकम, वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। विषमवादात, क्योंकि भिन्न रूप में दिखाई बदल जाने के कारण विषमवाद होता है, संवाद मतलब रे इन्फोर्समेंट, विषम मतलब विरुद्ध अपोजिट एन्फोर्समेंट। अच्छा, और सुक्ति आदौ सुक्तो इदम रजतम, सुक्ति में ये रजत ज्ञान इस प्रकार ज्ञान जैसे विरुद्ध हो जाता है, इस प्रकार अनुमान यहाँ पे समझना चाहिए। अत्र विषमवादात इति अस्य जागृत प्रमा बाधित विषयकत्वात् इति अर्थ, विषमवाद से क्या लेंगे, विषमवादात इति अस्य विषमवादात, जो हमने शब्द दिया यहाँ पे टिप्पणी का अपने पद को विषमवाद हेतु दिया, हेतु का अर्थ क्या है, विषमवाद शब्द का अर्थ क्या है, अत्र मतलब इस अनुमान में विषमवाद आदि हेतु दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि अस्य मतलब जो स्वप्नकालीन जो ज्ञान है जागृत प्रमा बाधित विषय करता, जागृत ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है, इसको बोलते हैं असंवाद विषमवाद है ना, जागृत प्रमा बाधित विषय करता, जागृत प्रमा के द्वारा बाधित विषय वाला होने के कारण, जागृत प्रमाण के द्वारा बाधित विषय वाला होने के कारण ही हो गया विषमवाद शब्द का, इतना यहाँ पे समझ लेना चाहिए। अब चाहे बाहरी विषय को लेकर नहीं सोचना, सब अपने में घटाना, अभी अपने में घटाना कि क्या घटना, जो सब इसको हमने शरीर को अपना सत्य माना, मन बुद्धि को सत्य माना, ये सारा चीज है, जैसे जैसे धीरे 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 हम आत्मदेश में पहुंच जाएंगे, मतलब आत्मा के प्रति जग जाएंगे, मतलब जिस स्थान में वो वस्तु है वहां पे जाकर उसको देखेंगे। आप क्या है, शरीर में रह करके आत्मा को देखने का कोशिश कर रहा हूं,
आत्मदेश में जाकर के आत्मा को देखो तो सच्चाई दिखाई देगा, दूर से दिखाई देखे रज्जु को देख रहे सर्प को दिखाई दे, रज्जु देश में जाकर के देखो तब आपको रज्जु दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही घटा है, अब शरीर देश में रह करके आत्मा को देखने का कोशिश कर रहे हैं इसलिए शरीर ही दिखाई पड़ता है, आत्मा भी दिखाई दे रहा है साथ में क्योंकि चेतनता दिखाई पड़ते हैं परंतु शुद्ध आत्मा नहीं दिखाई पड़ता, परिच्छिन्नता के साथ दिखाई पड़ता है, व्यापकता के साथ नहीं बोलने आता, इतना भिन्नता है यहाँ पे। इसलिए बता अत्र विषयवादा दीति अस्य जागृत ब्रह्म बाधित विषय कत्ता दीति अर्थ अवगंतव्य, इसको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। तीन नंबर टिप्पणी, किंच यथा स्वप्ने विषम बाधा अप्रामाण्य इष्टम, स्वाप्निक वस्तु प्रामाणिक स्वप्निक वस्तु तत्संबंधित ज्ञान दोनों ही अभिष्ट नहीं है, तथा ठीक उसी प्रकार से टीका में जागरिते अपि जागृत काल में भी परम श्रेय अस्माभि साधनीयम, कौन बोल रहे हैं अस्माभि ब्रह्मचार्य भी साधक ही अस्माभि साधक ही इसी शरीर में मैं मुक्त हो जाऊंगा साधन करूंगा, बिल्कुल सही है इसमें कोई गलती नहीं है, ये चाहिए पहले तो इसलिए बोल, परंतु तथा जागरिते अपि, देखिए टीकाकार देखिए इधर उधर का वस्तु को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, एक साधक को इंस्पायर कर रहे हैं, टीका का जागतिक वस्तु को लेकर के नहीं बोल रहे, एक मुख्य साधक को कैसे चलना है, इसलिए बोलते हैं कि परम श्रेय अस्माभि साधनीयम, हम सभी को जो है इसी शरीर में परम श्रेय को प्राप्त करना चाहिए, परम साधन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना चाहिए थी। स ब्रह्मवादी वीर सह, अपने गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्म गुरु के साथ उसके साथ बैठ करके समालोच्य अच्छी तरह से विचार करके समर्थ विचार करके विचार करो, हमको दो चीज यहाँ पे वेदांत में मुख्य चीज है, एक हो गया कि विवेक पूर्वक वैराग्य और विचार पूर्वक बोध, बोध और विचार, वैराग्य और बोध यही तो है हमारा मुक्ति के लिए दो पंख है, दो विंग्स है, एक हो गया विवेक पूर्वक वैराग्य और विचार पूर्वक बोध, बस ये दोनों यदि हमारे साथ है तो आप जो है मतलब सौधाग्र जो है मुक्ति विमुक्ति रूपी सौधाग्र आत्म तल तक पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आप इसी को बोलते हैं और विचार पूर्वक बोध, विचार पूर्वक कोई बोल दिया मान ली नहीं, आप अपने आप विचार करो तब जा करके जो बोध उत्पन्न होगा ये आपको बिल्कुल मुक्ति की परम ऊंचा तक पहुँचा देगा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं विषयवादादि हो गया ऊपर आ जाए, ये जागरित यदि परम श्रेय अस्माभिः साधनीयम, हम लोगों के लिए परम श्रेय को इसी शरीर में सिद्ध करने थी, स ब्रह्मवादी भी सह, मतलब ये चार नंबर टिप्पणी में देखिए बोलते हैं सह विचारशील मुमुक्षु हो, ठीक है ना, वहाँ पे देखिए टिप्पणी में और टीका में भाग थोड़ा सा भिन्नता दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ते हैं सह, यहाँ पे एक विषय को दिखाई देगा, ठीक है ना, जो विषय का है और वहाँ पे स्वब्रह्म यहाँ पे समझ पर यहाँ पे अलग करके स्व मतलब विचारशील मुमुक्षु, तो यदि वहाँ पे स्व होता आ गया पर स्वी का सूत्र में द्वारा आपको वहाँ पे होना चाहिए, परंतु यहाँ पे टिप्पणी में अलग करके लेकर आपको समझ में चार नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, यहाँ पे टिप्पणी कर बोलते सह मतलब वो विचारशील मुमुक्षु, वो विचारशील मुमुक्षु स ब्रह्म इत्यादि एकम पद, मतलब ये सब्रह्म अलग का भी कर सकता अथवा दोनों मिलकर के एक ही पद है, सब्रह्मवादी एक ही पद सह विचारशील मतलब अपने समान विचारशील व्यक्तियों के साथ बैठ करके विचार करता है, है ना, वो मुमुक्षु साधक अपने समान विचारशील व्यक्तियों के साथ मिलकर के वो विचार करते हैं, ये इसका भी कहते हैं सह समालोच्य सम्यक रूप से विचार करके क्या अविद्या निद्रात प्रतिबुद्ध, देखिए जो समालोच्य मतलब हमेशा बोला कि विचार पूर्वक बोध विवेक पूर्वक वैराग्य और विचार पूर्वक बोध, इससे जब आप जग जाते हैं इस दोनों साधन का मतलब जग जाते हैं, निद्रात अविद्या निद्रात प्रतिबुद्ध, अविद्या निद्रा से तस्वीर प्रत्यय यहाँ पे पंचमी अर्थ में निद्रा शब्द के साथ बुद्ध, तो निद्रा का पंचमी का एक वचन क्या हो जाएगा निद्रा शब्द का निद्राया, यहाँ पे तस्वीर प्रत्यय निद्रात प्रतिबुद्ध नैव श्रेय श्रद्धत्तम आलोचितम प्रतिपद्यते, अब जो है अरे ये श्रेय को प्राप्त करने के लिए हम लोग इतना विचार किया इतना किया, ये तो कोई साध्य वस्तु है नहीं तो सिद्ध वस्तु है, ये निश्चय हो जाएगा, इसलिए होता है श्रेय श्रद्धत्तम आलोचितम, वो जो जो हमने श्रेय है उसको हमने आलोचना किया था प्रतिपद्यते न प्रतिपद्यते, यहाँ पे कहाँ से लगे जैसे अपने तथा जागृत परम सुषमा की साधन निद्रत नहीं वही जो नकार है ना यहाँ पे नैव श्रेय साधत्तम आलोचना प्रतिपद्यते न प्रतिपद्यते, उसके साथ इसका वो उसको प्राप्त नहीं करता,
और पांच नंबर टिप्पणी देखिए, पांच नंबर टिप्पणी है श्रेय साध्यतमिति मोक्ष न साध्य सिद्धता उत्पन्न घटाधिपति प्रयोग अत्र फलित। ठीक है, थोड़ा सा कितना सुंदर है, मोक्ष ये पक्ष है, न साध्य ये साध्य वस्तु नहीं है, क्यों? क्योंकि सिद्ध होने के कारण, सिद्धत्वा सिद्ध वस्तु होने के कारण, जैसे उत्पन्न घटवत एक घट जो तैयार हो गया वो घट दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता, वो घट दोबारा तैयार नहीं हो सकता, इसलिए बोलते उत्पन्न घटवत इति प्रयोग। इस प्रकार का अनुमान यहाँ पे समझ लेना चाहिए, इस अभिप्राय करते हैं। देखिए अभिप्राय क्या है, अज्ञान दशा में साधन के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, तो जगने के बाद अपने आप ही निश्चय करेंगे कि मैं तो नित्य मुक्त ही था। पर तो हम जिस प्रकार कोई भी ज्ञानी पुरुष भगवान शंकर जाते हो अथवा हमारे मान लो कर ज्ञान हो गया, वो जानते हैं कि सभी जीव नित्य मुक्त है, वो कह सकते हैं सारा साधन छोड़ दो बस चुप बैठ जाओ तो मुक्त हो, नहीं कहा मन को कंट्रोल करो, विवेक को विवेक करो, यानी कि अज्ञान दशा में ये करना ही होगा, और करने के बाद हम जब ज्ञान प्राप्त होगा तब निश्चय होता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी जो है इसको अपने आप ही छोड़ जाता है, अपने आप ही छोड़ जाता है। इसीलिए आप बोलते हैं साध्यतम अर्जितम प्रत्यय सर्वस्य नित्य मुक्तत्व निश्चयात्, क्योंकि सारा जो है हम सभी नित्य मुक्त वस्तु है, आत्मा नित्य मुक्त वस्तु है, फल तो उसको मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मुमुक्षुत्तम श्रवणादि कर्तव्यता च भ्रांत एव इति आह, कितना बड़ा स्टेटमेंट है देखिए, परंतु शुरू में नहीं बोला, इसीलिए ये जो मुमुक्षु भगवान भाष्यकार जो बोलते हैं विवेक यहाँ मुख्य फल विवेक वैराग्य फल हो तो वैराग्य होगा, आत्मात्मा वस्तु विवेक फल हो, फिर सत संपत्ति संदम सत्यप्रति भाष्य कथन मिलता नहीं है, जब तुम जग जाओगे तो जब इसलिए बोलते हैं अतः अतः सात नंबर टिप्पणी लिख सकते अतः मोक्ष से नित्य सिद्धत्वा मुक्ति नित्य शुद्ध होने के कारण अतः मुमुक्षुत्तम श्रवणादि कर्तव्यता, ये आप मुमुक्षुत्तम मतलब योग्यता अधिकारी को दिखा रहे हैं ओ, और फिर जो है श्रवणादि कर्तव्यता मतलब विवेकपूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन के एक कर्तव्य जो है भ्रांत एव, ये भ्रांति से मैंने कल्पना किया था इति आह, इसी को मन में रखते हुए यहाँ पे जो है टीकाकार भाष्यकार बोलते हैं मित्रादि सह संभ्रंत तदेव मंत्रणम प्रतिबुद्ध न प्रपद्यते, अपने मित्रादि के साथ अपने गुरु शिष्य दशा ब्रह्मचर्य के साथ जो आलोचना करके जो भी साधन हमने अपनाया था गुरु के पास ईश्वर के पास अपने मतलब शास्त्र के पास सब मिल करके यदि ये तत्व एक बार बोध हो जाता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति अपने आप निश्चय करते हैं अरे ये सब तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसको तो दिखाई पड़ते हैं ना, कहाँ एक महाभारत में कथा आता है कोई एक मतलब महल बनाया था दूर से धर्म वहाँ पर गया था तो जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी समझ करके वहाँ पे तो कपड़ा उठा लेते हैं, आज जहाँ पे पानी है वहाँ पे इंद्रप्रस्थ बनाया था और उसको देख करके द्रौपदी हंस रहे थे, क्यों? वहाँ पे उस वस्तु संबंधित ज्ञान उनको है, अरे उनको संबंधित ज्ञान नहीं है, ये हमारे सारा के जीवन ऐसे ही, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे हम लोग तैर रहे हैं, आज जहाँ पे पानी है वहाँ पे जो है गड्ढा में गिर रहे हैं, स्वभाव सिद्ध वस्तु स्वरूप सिद्ध वस्तु है, इसीलिए इसको मतलब मतलब क्या हो गया, डोंट डू व्हाट यू वांट टू डू, डोंट डू वाट यू वॉन्ट टू डू यू विल रीच द गोल, ये जो एक हलिनी संपूर्ण में एक सामग्री थी गोलिनी संपूर्ण महेंद्र सरस्वती का अच्छी अच्छी पुस्तक लिखी है इसमें है मैसूर के पास हलिनी संपूर्ण हाँ सच कर सच महेंद्र संपूर्ण उनका ये कथन है डोंट डू वाट यू वॉन्ट टू डू यू विल रीच द गोल, जो भी कुछ करना चाहते हो ना उसको रोको, जो भी का प्रयास करते हो प्रवृत्ति को रोको, तुम अपने स्वरूप से प्रवृत्ति को रोको, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अतः सम मंत्र जो भी आपने सोचा था वो प्रतिबुद्ध न प्रवर्त्यते मित्र है, किंच स्वप्नवत एव गृहीत उपदेश आदि विद्या न पश्यति, है ना, देखिए उपदेश ग्रहण नहीं किया था परंतु उसके लिए अब स्वप्न हो गया, उपदेश का ग्रहण हुआ, गुरु का उपदेश ग्रहण हुआ, शास्त्र पठन पढ़ने के लिए, किंच अभी स्वप्नवत एव गृहित उपदेश आदि स्वप्न में जैसा दिखाई था ऐसा पद है विद्या न पश्यति, जगने के बाद वो व्यक्ति उसको नहीं दिखाई देता उनको, है ना, इसलिए होता ना त्यजो त्यजैव ध्यानम सर्वतमा किंचित विधि धारण, जो भी कुछ अपने हृदय धारण करके रखा उसको ध्यान करने की कोशिश मत करो, यही तुम्हारा जो है बंधन,
उसको बस कुछ भी चिंता मन में उठने मत दो, कुछ कुछ चिंता नहीं करूँगा, इस चिंता को भी मन में मना बैठा तब वो एक चिंता बन जाएगा। बूढ़ा बूढ़े को कभी कभी ऐसा होता है बूढ़ापा में कि अभी इतना दिन तक तो काम करके आया और फिर जो है क्या है अभी उसके लिए कोई काम तो परिवार सब कर लेते हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कोई उनके समय नहीं है। यहाँ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोलते हैं विद्या न पश्यति विद्वान व्यक्ति उसको नहीं तत्साध्य फल अभाव, क्योंकि वो जो साधन से कुछ साध्य उत्पन्न होगा ये मुक्ति ऐसी वस्तु नहीं होने के कारण। जैसे आठ नंबर टिप्पणी बोलते हैं विद्वान न पश्यति विद्वान गृहित उपदेश आदि स्मरण अभाववान तत्सत्य फल अदर्शितत्वात् स्वप्न गृहित उपदेशादि अस्मर्तृ देवदत्वादिवत इति अभिमत प्रयोग अत्र द्रष्टव्य। देखिए टिप्पणी का तो देखिए हर एक चीज के मानते को कार्य को समझाने के एक एक ऐसा अनुमान के सहारे जो है वस्तु को मतलब समझा रहे हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे विद्वान विद्वान ये हो गया आपका पक्ष, गृहीतो उपदेशादि स्मरण अभाववान हो गया शब्द, जो भी गृह उपदेश को ग्रहण किया था है ना गृहीत उपदेश आदि स्मरण अभाव उसको फिर स्मरण नहीं करता, उपदेश ग्रहण नहीं किया था ये बात नहीं है, अब उसको आवश्यकता नहीं है। क्या बोला था गुरु जी ने, क्या बोलता क्या करना, ये कुछ नहीं है, बस अपने स्वरूप में स्थित रहते। होता है विद्वान गृहीत उपदेश आदि स्मरण अभाववान की शब्द है इन्होंने क्यों तत्शब्द फल आदर्शित। अब मैं किसी को बोलू कि मैं रास्ते में आते वक्त चाहे एक गड्ढे में गिर गया था और वास्तविक हम लोग गड्ढे में गिर गया था, ये प्रणाम से आते वक्त तो कोई गड्ढा है ही नहीं। अब हुआ क्या था, मैं चलते समय थोड़ा सा ये अथवा आँख बंद करके चल रहा था तो खाली कर इधर कोने में जो नाली उली है, अब उसको कैसे दूसरे को जा कर के बोलूँ मैं, क्योंकि तो अपना ही गलती था। यहाँ भी ऐसा ही जब जग जाते हैं व्यक्ति तो क्या होता है जो उपदेश आदि को शरण कर पा रही स्थिति ऐसा है, व्हाट ए वंडरफुल ड्रामा, मैं समझ ही नहीं पा रहा था इतना साधन भी सत्य माना गुरु उसको भी सत्य माना, परंतु करने के बाद जब जगता है तब उसको समझ में आता है ये सब भी परमार्थ नहीं था, परंतु उसको बिना होगा भी नहीं तो चाहिए भी। इसलिए हमें बोलते हैं ये गृहित उपदेश आदि स्मरण अभाव तत्शब्द फल अदर्शित, मतलब वो उपदेश जो साधन किया उस साधन का ये फल ये नहीं देखता, वो क्या देखता है कि नित्य सिद्ध वस्तु है ना, मतलब साधन किए बिना ये समझ में नहीं है ये सिद्ध वस्तु है, इसीलिए करना पड़ता है। स्वप्न गृहित उपदेश आदि स्मृति अस्मृति देवदत्त, जिस प्रकार स्वप्न में किसी ने हमको कुछ उपदेश दिया था तो उसको अच्छा मानते हैं, मेरे को मंत्र जो है स्वप्न में प्राप्त हुआ है, देवी देवता दर्शन भी होता है, कोई बात नहीं है। परंतु यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न गृहित उपदेश आदि अस्मृति, स्वप्न में जो उपदेश आदि करना था उसको नहीं स्मरण करने वाला देवदत्त के समान। देवदत्त तो क्या सोचता है, अरे वो तो स्वप्न ही था, वो सच थोड़ी है। जिस प्रकार देवदत्त तो अपने स्वप्न काल में किसी ने मेरे के पास आया मेरे को उपदेश दिया ऐसा सोचता था, स्वप्न में देखा जगने के बाद वो अपने भी सोचेगा ये कहाँ से सुप्त हो सकता है, ये तो सत्य वस्तु नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया निद्रा में सो करके साधन आदि को हम सत्य मान रहे थे, जगने के बाद वो साधन के द्वारा साध्य वस्तु कुछ है ही नहीं, उस साधन के द्वारा जिस साधन को हमने अपनाया था उस साधन के द्वारा साध्य सिद्ध करने वाला कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए जो है वो उसके लिए सोचता नहीं है। देवता स्वप्न गृहित उपदेश आदि अस्मृति देवदत्वाधिपति की अभिमत, इस प्रकार की जो है अनुमान को प्रयोग अत्र द्रष्टव्य। विद्वान न अभ्यस्यति इति भाव, देखिए टिप्पणी का कितना साधन कर दिया, जो साधन आप पहले कर रहे थे अब जो है ज्ञानी व्यक्ति फिर उसका अभ्यास न करें। टिप्पणी क्या लिखा वहाँ पे, विज्ञान न अभ्यस्यति, मतलब क्या है अब मैं जो साधन कर रहा था अच्छा लग रहा था तो आप क्या सोचते हैं कि अभी भी वो साधन करो, तो साधन करने के लिए कहाँ पहुँचो, शरीर का आना पड़ेगा, इसीलिए फिर उसका अभ्यास करने का प्रयास होता है। बहुत सुंदर, मतलब इतना पहले अभ्यास करना है, पर बाद में कहना है विद्वान न अभ्यस्यति इति भावो, विद्वान ज्ञान होने के बाद फिर आगे का अभ्यास करने का कोशिश नहीं करना, बिल्कुल जिस स्थिति में उस स्थिति में रहने का कोशिश, बस जो प्रणब्ध के साथ आया उसको शरीर निभा रहा है उसके साथ हमारा संबंध नहीं, ये दृढ़ निश्चय करके कुछ नया चीज करने का अभ्यास करना और साधन के भी अभ्यास नहीं। ये जो है यहाँ पे बोलते हैं ये भी एक बहुत छोटा सा एक साइड लाइन लिखा, परंतु ये इम्पोर्टेंट चीज है, विद्वान न अभ्यस्यति है, विद्वान पुरुष है, विद्वान बोल रहा विद्वान नहीं बोल रहे हैं, कभी होगा ना मतलब पूर्व जन्मांतर पूर्व कर्म के अनुसार बचपन में साधन बनना
बचपन में साधु हो गया और अच्छा कर्म किया हुआ था, ज्ञान भी छोटे उम्र में हो गया, फिर बाकी जीवन क्या करे, साधन करने की इच्छा करे, नहीं खबर था। निस्त्रय गुण ने पूछे बेचारा तो को विधि को मनीषा सुभाष्ट ना, जो गुणातीत होकर के पथ में विचरण करने के लिए इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है। ये चीज जो है मैं यहाँ पे बोलता हूँ, विद्या न अभ्यस्यति, समय हो गया 8 बज गया, फिर आठ पाँच को ये बात याद यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज 7 बजे शुरू किया था ना, क्या होता है टाइम इतना बदल जाता है, पहले 7:30 बजे चल जाता, कोई फंड कितना ओम आधा में शुरू करेंगे, अंतिम में जो पहला वाला है अजम अपि योनि योगम प्रापदैश्वर्य योगात् आगतिं च गतिमतां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म ग्राही बुद्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।